नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य यूपी की 67 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है दोस्तों, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है मध्य यूपी में, और समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। आंकड़े आगे आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ अब किसानों ने एक और बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक बार फिर से मची भगदड़, अब रीता बहुगुणा जोशी के बाद स्वाति सिंह ने भी कर दी बगावत, समाजवादी पार्टी में हो सकती हैं शामिल, इसको लेकर के भी बड़ी खबर, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एयर इंडिया को नीलाम करने के बाद मोदी सरकार एक और बड़ी कंपनी को 12,100 करोड़ रुपए में नीलाम करने जा रही है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का एक और विवादित बयान सामने आया है, क्या उन्होंने बयान दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बताया जा रहा है कि एक और दरोगा ने भरी सभा में दिया इस्तीफा और बीजेपी के ऊपर लगाया गंभीर आरोप, किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जैसा कि आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश की मध्य यूपी की 67 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ओपिनियन पोल के 67 सीटों की जो मध्य यूपी की आती है, इसमें से इस बार बीजेपी महज 30 से 32 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि बीजेपी ने 2017 में 57 सीटें जीती थी, और इस बार समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, समाजवादी पार्टी के खाते में 32 से 34 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीएसपी 3 से 5 और कांग्रेस 8 से 10 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि मध्य यूपी में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है समाजवादी पार्टी और यानी बीजेपी के अंदर, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार बाजी कौन मारेगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक और बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पेश किया गया, इसमें सरकार ने रिकॉर्ड एमएसपी भुगतान की बात कही है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत दो टूक कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने के बाद ही किसानों को फायदा होगा। इसी मुद्दे पर किसान आज दिल्ली में रैली निकालने जा रहे हैं। किसान हरियाणा के कुंडली बॉर्डर से दिल्ली के जंतर मंतर तक एमएसपी कानून के लिए पैदल मार्च निकालेंगे। बजट के बाद राकेश टिकैत ने कहा है कि गन्ना कानून में अगर 14 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो ब्याज का प्रावधान भी होना चाहिए और इस पर मोदी सरकार को ख्याल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कृषि कानून के बाद अब एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर के किसानों ने यह बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर दोस्तों यूपी से आ रही है, जहां पर बीजेपी में एक बार फिर से बगावत हो गई है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं, बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया है, अब उनके सपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की भरपाई स्वाति सिंह को अपनी तरफ लेकर करेगी। सपा ने भी इसे इशारे दिए हैं कि जिससे लगता है कि स्वाति सिंह के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सरोजनी नगर को अभी तक खाली रखा था। तो यह कहीं ना कहीं एक नया मामला सामने आया है, जहां पर यूपी के अंदर बीजेपी में फिर से भगदड़ मच सकती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, एयर इंडिया बेचने के बाद मोदी सरकार ने एक और कंपनी को नीलाम कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, निजीकरण की प्रक्रिया के तहत टाटा जो है लांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड नीलांचल इस्पात में 93.71% इक्विटी हासिल करने में सक्षम
सक्षम होगी नीलांचल इस्पात का उड़ीसा के कलिंग नगर में 11 लाख टन की क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र है जो भारी घाटे में चल रहा है और ये 30 मार्च 2020 से बंद पड़ा हुआ है और इसको अब मोदी सरकार टाटा ग्रुप को बेचने जा रही है। मोदी सरकार का यह दूसरा निजीकरण समझौता होगा। टाटा समूह ने हाल ही में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों, नीलांचल इस्पात जो कंपनी है उसको मोदी सरकार 12,100 करोड़ रुपए में नीलाम करने जा रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों इजराइल से आ रही है दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर इजराइल से बड़ी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं, इजराइल में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नागरिकों की कथित जासूसी के अहम सबूत पुलिस के हाथ लग गए हैं। ये सबूत इशारा करते हैं कि पुलिस विभाग के ही कुछ लोगों ने पेगासस का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल किया। पुलिस ने मंगलवार को खुद इसकी जानकारी दी है। पिछले माह एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2020 में पुलिस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल नेताओं व आम नागरिकों के मोबाइल हैक किए थे। इसके लिए साइबर सुरक्षा कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह से हमारे देश में भी पेगासस जासूसी मामले पर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन अब इजराइल में यह खुलासा हो गया है कि वाकई और सच में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल पार्टी विरोधी और जो सत्ताधारी पार्टी होता है उसके विरोध में जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी जासूसी इसके जरिए की गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तेलंगाना के सीएम और टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव का एक बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं, 2024 में आम चुनाव में अभी 2 साल बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय फलक पर पीएम पद को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं अब सामने आने लगी हैं। इसी बीच खबर सामने ये आ रही है कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अब देश से हटा करके बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। हमारे पीएम अदूरदर्शी हैं, हमें अपना संविधान फिर से लिखना होगा। देश के लिए जो जरूरी होगा उसे करेंगे, बीजेपी को हटाना जरूरी, चुप नहीं बैठेंगे। ये कहते हुए जो है टीआरएस और तेलंगाना के सीएम जो है चंद्रशेखर राव ने ये बड़ा बयान दिया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर, बीजेपी से परेशान होकर के उत्तर प्रदेश में एक और दरोगा ने इस्तीफा दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, भाजपा से परेशान जनता द्वारा नेताओं को भगाए जाने के बाद अब भाजपा नेताओं से परेशान दरोगा ने भरी सभा में अपना त्याग पत्र दे दिया है। घटना मेरठ की है। रविवार को वन दरोगा अजीत भड़ाना ने हस्तिनापुर से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा की सभा में भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। वन दरोगा अजीत भड़ाना ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने खून पी रखा है, मंत्री विधायक धमका कर वोट मांगते हैं, उनसे परेशान होकर के उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। आपकी अपनी क्या राय दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।